रानी और दीपा रानी जो कि शौचालय की समस्या से आज भी पीड़ित हैं। इतने सालों से जो स्वच्छ भारत का अभियान जो चल रहा है और मध्य प्रदेश में मर्यादा अभियान के नाम से चल रहा है, उससे ये महिलाएं वंचित हैं। और जो सड़क के किनारे शौच करने जाती हैं, आते जाते वाहनों और सड़क के किनारे जो खेती है, खेती वालों की रोज बातें सुननी पड़ती हैं। वो इसलिए क्योंकि इनके घर में कोई भी शौचालय आज तक ग्राम शहजादपुरा में ना तो व्यक्तिगत ना ही सरकारी कोई ऐसा शौचालय है जो कि इन्हें प्राप्त हुआ हो। आप लोग अभी शौच करने कहाँ जाते हैं? ये जंगल है, जात हमारा। ये रास्ता कहाँ के लिए गया है? जंगल हो गई। तो यहाँ कितने लोग जाते हैं? यहाँ सारे लोग जाते हैं। गांव के क्या सभी लोग इसी तरफ जाते हैं? सभी लोग जाते हैं। और जो रोड के किनारे हैं वो कहाँ जाते हैं? भी जात में ही और कोने में ही जाते हैं, जंगल में जाते हैं, कोने रोड ही पे जाते हैं। यहाँ आप लोगों को क्या समस्या होती है? अब जे का रोटों पर बैठे टट्टी हो, गाड़ी आ रही, वाहन आ रहा, पेट पर आ रहा है तो कहो का हग नहीं पा रहा या कहो के गेल में हगले में, इतनी परेशानी है हमें के बहुत ज्यादा। तो बाहर निकलते हैं तो क्या परेशानी होती है? जे का गाड़ी धरे ठाणे हैं, अब भली धुतिया में हगे आवे तो अब कीचड़ जैसे पानी बरसे तो कितनों बसात है तुम खुद जाने तो के नहीं बसात, बहुत ज्यादा बदबू दे। इसे हम उन्होंने डांटा थे भाई तुम लोग अपने जंगल डरो अपनो, तो जंगल में हो जाओ निस्तार जंगल से करो। इस गांव में किसी के यहाँ दादा शौचालय नहीं है? किसी के नहीं है। अब जब हम रहो क्यों निस्तार है ही नहीं है तो जहाँ मिले तो निस्तार करने कौन शौचालय बनी, अपना घर में तो हग है ने। अभी आपके यहाँ पंचायत में कहाँ कहाँ शौचालय बने हैं? एक भी नहीं बने। ये शहजादपुरा में? शहजादपुरा में एक नहीं। और अभी जो 100 शौचालय की मंजूरी हुई है वो कहाँ बने हैं? तो ये घनश्यामपुरा, पटियागढ़ और लुकान बकान, पिपरोदा, सकतपुर। तो आप लोगों ने शौचालय पाने के लिए कुछ किया नहीं है अभी तक? किया है मानो, बनी नहीं है। तो क्या किया अभी बताएंगे कुछ? जावे ते के बन जाए कागरा धर जाए तो करवा के सुधरे आए, फिर बनो ही नहीं है, 8 महीना होगा कागज दें। तो आपने क्या क्या कागज दिए थे? परिचय पत्र को दाओ तो, राशन कार्ड को दाओ तो, कहते पहचाने हैं बस। तो कब उन्होंने क्या कहा था कब बनाएंगे? जब ये बन रही थी जब ही बन है। तो अब आप लोग आगे क्या करेंगे? सब लोग जाएंगे तो जोर कह के हमारा को कोई नहीं है सुबह हुआ। अभी जैसे बार निस्तार हो जात, अब होंगे बिटिया सब ऐसे ही है, रात बिरात हो जात तो अब जब बन रहे हैं तो सरकार के से उन माए बन गए, हमारा का कौन सी बुराई है, हमारा का नहीं बने, सब काम होगा, फोटो कापी सब लग गए। दीप रानी और दीपा भाई ही नहीं बल्कि इस गांव में 397 जॉब कार्ड धारी और 310 बीपीएल धारी ऐसे हैं जो कि शौचालय पाने के पात्र हैं और आज भी ये वंचित हैं। इतने साल शौचालय अभियान जो मर्यादा अभियान के नाम से जाना जा रहा है और शौचालय का जो 2013 और 14 का 100 शौचालय मंजूर था जिसका पैसा भी निकल चुका है और बाकी के इस पंचायत से जो गांव जुड़े हुए हैं उन सभी गांव में शौचालय योजना का काम चल रहा है, सिर्फ शहजादपुरा को क्यों छोड़ा गया है। और शौचालय तो आज तक किसी के पास व्यक्तिगत और या सरकारी है ही नहीं उस गाँव में, और इस गांव को इस शौचालय योजना का जो मर्यादा अभियान के द्वारा चल रहा है उसे मिलना चाहिए। मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है, आप सभी से मेरी अपील है कि अधिकारी महोदय को फोन कर दबाव बनाएं और बदलाव का प्रयास करें। अधिकारी महोदया जी का फोन नंबर है 98 27 26 92 05। मैं आरती वाल्मीकि ग्राम शहजादपुरा से इंडिया अनहर्ट के लिए।